तो दोस्तों आईपीएल 2023 की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। काफी जल्द हमें आईपीएल स्टार्ट होते हुए दिखाई देने वाला है। इसी बीच दोस्तों आरसीबी के लिए काफी बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है कि आरसीबी की दो बड़े खिलाड़ी आईपीएल से हो सकते हैं बाहर। साथ ही में एबी डिविलियर्स को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आई है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो सभी आरसीबीयर्स के लिए काफी बड़ी और जरूरी होने वाली है। तो फिर चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस बात करें अपनी पहली अपडेट की तो वो है दोस्तों एबी डिविलियर्स को लेकर। जी हां दोस्तों एबी डिविलियर्स एक बार फिर से आरसीबी की टीम में वापसी होने वाली है, जिसकी जानकारी खुद एबी डिविलियर्स ने दी है। जी हां दोस्तों आप एबी डिविलियर्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर एबी डिविलियर्स ने कहा है कि वो काफी जल्द आरसीबी के साथ जुड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि हम सभी आरसीबीयंस के लिए काफी अच्छी और बड़ी बात है। दोस्तों इतना ही नहीं, एबी डिविलियर्स हमें वुमेन्स आईपीएल में भी आरसीबी के टीम में नजर आएंगे। हालांकि वहां पर तो सानिया मिर्जा मेंटोर रहने वाली है, ऐसे में क्या एबी डिविलियर्स वहां दूसरी भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन आईपीएल में एबी डिविलियर्स एज अ मेंटोर ही दिखने वाले हैं आरसीबी के। इसी बात पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम सभी आरसीबीयंस की जो मनोकामना थी, जो इच्छा थी, वो पूरी हो चुकी है। एबी डिविलियर्स एक बार फिर से हमें आरसीबी की जर्सी में चिन्नास्वामी स्टेडियम पर दिखाई देने वाले हैं। सो गाइस बात करें अपनी दूसरी बड़ी अपडेट की तो वो है दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। जी हां दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल पूरी तरीके से रिकवर हो चुके थे, उसके बाद वो घरेलू मुकाबले खेल रहे थे और साथ ही में उम्मीद ये भी थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज में ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। घरेलू मुकाबले में एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल को चोट लग चुकी है, जो कि काफी तक सीरियस भी दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल से भी बाहर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों पहले उनको पैर में चोट लगी, अब उनको हाथ में चोट लग चुकी है। ऐसे में क्या ग्लेन मैक्सवेल खेल पाएंगे नहीं, इस पर अब बड़ा सस्पेंस लग चुका है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी की एक बार फिर से टेंशन बढ़ चुकी है। दोस्तों आरसीबी की टेंशन यहीं पर खत्म नहीं होती है। आरसीबी के लिए एक और खिलाड़ी का जो इंजरी का जो सिलसिला है वो सिर दर्द बन रहा है, जो कि हम आपको अपनी तीसरी अपडेट में बताने वाले हैं। दोस्तों बात करिए अपनी तीसरी अपडेट की तो वो है दोस्तों जॉस हेजलवुड को लेकर। जी हां दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के बाद अब जॉस हेजलवुड भी इंजर्ड हो चुके हैं, साथ ही में वो टेस्ट मैच को छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। ऐसे में दोस्तों आरसीबी की टीम इन दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर काफी तक टेंशन में आ चुकी है कि आखिर ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा हो पाएंगे नहीं। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं आरसीबी के लिए कुछ अच्छी खबरों की, क्योंकि हमने बुरी खबर की बात बहुत ज्यादा कर ली। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी चौथी अपडेट की तो वो है दोस्तों वुमेन्स आईपीएल को लेकर। जी हां दोस्तों जहां पर आरसीबी की दो खिलाड़ी काफी गजब की परफॉर्मेंस कर रही है, वहां पर रेणुका सिंह ठाकुर का भी नाम है, ऋचा घोष का भी नाम है, लेकिन हम बात करेंगे स्मृति मंधाना और मेगन स्कट की, जो कि टी20 विश्व कप में टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर है। जी हां दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी मिलकर आरसीबी के जीत में काफी बड़ी योगदान निभाने वाली है। यहां पर स्मृति मंधाना 149 रन बनाकर टॉप स्कोरर है, जहां पर उनकी हाईएस्ट स्कोर 87 रन की थी, जो कि उन्होंने पिछले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ बनाई थी। तो वहीं पर दोस्तों मेगन स्कट ने अब तक 8 विकेट ले चुके हैं, जिसमें दोस्तों उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो है दोस्तों 4 विकेट पर 24 रन। दोस्तों यहां पर दोनों ही खिलाड़ी काफी गजब की परफॉर्मेंस कर रही है। हालांकि हम चाहेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर सेमीफाइनल होता है तो वहां पर भारतीय टीम की जीत हो, लेकिन आरसीबी की टीम के लिए दोनों ही खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस जो है ऐसा ही रहे, इससे भी अच्छा रहे। आप लोग को क्या लगता है कि क्या स्मृति मंधाना आरसीबी को चैंपियन बना पाएगी या नहीं, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।